प्रणाम करता हूं आप सब लोगों को कि दहलवाल जी महाराज के चरणों में मैं शीश नमाता हूँ। सबसे पहले मात शारदे तुझे मैं आज मनाता हूँ। ओ वीणा वादनी देवी शारदे, ओ वीणा वादनी देवी शारदे, मैं विनती बारंबार करूँ। नेनुआ के पावन मंच से मैं बालक मनुहार करूँ। नेनुआ के पावन मंच से प्रणाम करता हूँ आप सब लोगों को। भाई साहब एक बार मैं साइकिल चला रहा था कि साइकिल के आगे एक स्टैंडर मैडम आ गई, मैडम के ठुक गई, तो मैडम ने बोला कि बेवकूफ घंटी नहीं मार सकते थे। मैंने कहा मैडम पूरी साइकिल ही मार दी, अब घंटी अलग से मारू के? एक बार जोरदार ताली बजाओ एक साथ। एक बार एक छोरा का दिमाग खराब हो गया, वो जेर खा गया। जेर खाते भाई साहब एक घंटा हो गया नहीं मरा, दो घंटे हो गए नहीं मरा, 10 घंटे हो गए नहीं मरा। उसने सोचा यार नहीं मरे इसी खुशी में मिठाई खा लेते हैं। वो गया मिठाई की दुकान पे और मिठाई खा ली, तो भाई साहब सही कह रहा हूं कि 5 मिनट में उसकी पिक्चर सलट गई। तो एक व्यंग्य कहना चाह रहा हूं कि इस देश में जेर भी ओरिजिनल नहीं मिल रहा और मिठाई की दुकान पर मिठाइयों के नाम पर जेर बेचा जा रहा है। वाह, ऐसे में यहाँ के हलवाइयों की बात नहीं कर रहा। वाह वाह, बहुत अच्छे नवीन। एक बाबा पकड़ में आया भी राम रहीम कि नाम से तो राम और रहीम हुआ है, ओ राम से तो राम और रहीम हुआ है। गुरु मित तेरा मिजाज भी रंगीन हुआ है, गुरु मित तेरा मिजाज भी रंगीन हुआ है। और बगावत कर डाली तेरी हनी प्रीत ने, बगावत कर डाली तेरी हनी प्रीत ने। लगता है बाबा जैसे तू सलीम हुआ है, लगता है बाबा जैसे तू सलीम हुआ है। बात अच्छी कि बाबा तुम नाचते थे नकली के कालिया नाग पर, कि बाबा तुम नाचते थे नकली के कालिया नाग पर, लाखों भक्त झूमते थे तेरी बेसुरी आवाज पर, लेकिन बाबा तुम तो जहरीले कोबरा सांप निकले, और लोगों ने तो तुम्हें संत समझा था, तुम तो इमरान हाशमी के भी बाप निकले। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे नवीन। तो एक संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत से बाबा और संत देखे इस दुनिया में, बहुत से बाबा और संत देखे इस दुनिया में, लेकिन पिता से बड़ा कोई सदगुरु ना मिला। कि बहुत से बाबा और संत देखे इस दुनिया में, मगर पिता से बड़ा कोई सदगुरु ना मिला। अरे जिसकी छाऊ पले खेले और खिले, जिसकी उंगली पकड़कर निर्भय हो चले, ए जमाने तू क्यों इतना हैरान है? तेरा पिता ही तेरा सदगुरु भगवान है, तेरा पिता ही तेरा सदगुरु भगवान है। माफ कीजिएगा, पिता के सम्मान में आपकी तालियां कम है। अब पाकिस्तान की क्या बात करूं भाई साहब, जिस देश की टमाटर खरीदने की औकात नहीं, वो क्या मुकाबला करेगा अपना? और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी सेना नहीं है, उतने तो अपने यहां स्मेक्ची भरे पड़े हैं। नेनवा की स्मेक्ची तो आजकल अखबार में फेमस हो रहे हैं। कि जितनी सेना नहीं है, उतने तो अपने यहां स्मेक्ची है। स्मेक्चियों से कह दो आज से तुम्हारी चरस फ्री, गांजा फ्री, इसमें एक फ्री, अरे साथ में गोल्ड फ्लेक फ्री। अगले दिन देख लेना भाई साहब पूरा पाकिस्तान फ्री। बहुत अच्छे। कि कश्मीर से लेकर कराची तक सारा विमान झुका देंगे, सुन ले पाकिस्तान, कि कश्मीर से लेकर कराची तक सारा विमान झुका देंगे। अरे इस्लामाबाद की गलियों को कब्रिस्तान बना देंगे। अरे लाहौर कराची वालों को, लाहौर कराची वालों को हम नाकों चने चबा देंगे, और जिस दिन हमने ठान लिया ये पाकिस्तान उड़ा देंगे। वाह, जय हो तेरी, बहुत अच्छे। बोलो भारत माता की जय। कि कलदार जबरदस्त सिक्का खोटा बन जाऊं, कि कलदार जबरदस्त सिक्का खोटा बन जाऊं। आजकल वैसा समय ऐसा आ गया कि 10-10 साल के छुरा छुरी प्यार कर रहे हैं। अच्छा, 70-70, 75-75 साल के डोकरे शादी कर रहे हैं, और जिनकी ये सब करने की उम्र है वो बेचारे पटवारी, ग्राम सेवक और रीट की तैयारी कर रहे हैं। ये वही छोरे ताली बजा रहे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे नवीन, क्या बात है।
कि कलदार जबरदस्त सिक्का खोटा बन जाऊं, अरे डाली डाली महके वो मैं तोता बन जाऊं, अरे डाली डाली महके वो मैं तोता बन जाऊं। और जिस तरह लोग बुढ़ापे में बदलते हैं पत्नियां, बदलते हैं पत्नियां, बदलते हैं पत्नियां, अरे मैं भी सोचता अनूप जलोटा बन जाऊं, अरे मैं भी सोचता अनूप जलोटा बन जाऊं। बहुत अच्छे। कि जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं। अच्छा। जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसको नेनवा का नौजवान कहते हैं। कि जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसको नेनवा का नौजवान कहते हैं। और 80 साल की उम्र में काम वासना की चाहो, ऐसे दुष्ट बाबा को आसाराम कहते हैं। वाह। एक बार एक मार साहब का ट्रांसफर हो गया भाई साहब गांव में। एक बार एक मार साहब का ट्रांसफर गांव में हो गया, तो गांव में उनका चोरा बार गांव के बच्चों के साथ खेलने चल गया। तो गांव के बच्चे ने उससे की कि तेरी एसी की तेसी। तो उसने घर पे आके अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी पिताजी ये एसी की तेसी कराना क्या होता है। तो पिताजी ने कहा सही बात बताए तो संस्कार बिगड़ जाए। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, पिताजी ने कह दिया बेटा ये अखबार पढ़ना और एसी की तेसी कराना एक ही होता है। और आजकल आजकल जिस प्रकार से अखबार में खबरों से ज्यादा विज्ञापन छपते हैं, तो आजकल अखबार पढ़ना और एसी की तेसी कराना एक जैसा ही हो गया है। क्या बात। दूसरे दिन उसके नाना जी आ गए। नाना जी ने पूछा बेटे तेरे पिताजी कहाँ हैं। और उसके पिताजी अंदर वाले कमरे में सोफे में बैठ के अखबार पढ़ रहे। तो उसने कह दिया कि बेटा तेरे पिताजी कहाँ हैं। तो बच्चा बोला वो अंदर वाले कमरे में उनकी एसी की तेसी करा रहे। ताली वाली बजाना है तो एक साथ बजाओ। बहुत अच्छे। कि तू कश्मीर कश्मीर करता है कश्मीर से क्यों डरता है। कि तू कश्मीर कश्मीर करता है कश्मीर पे क्यों मरता है। एक बात मुझे बतला दे तू भारत से क्यों चिढ़ता है। अरे अगर तू मांगेगा कश्मीर, अरे अगर तू मांगेगा कश्मीर, लाशों की लगेगी ढेरी। अरे हम ना देंगे तुझको कश्मीर, हो जो कर ले मर्जी तेरी। ओ हो 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 हो। एक बार पूरा सदन जहां तक ताली नहीं बजाएगा मैं पूरी रात यही करता रहूंगा। हो 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 हो। ये राजस्थान है साहब, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो इस आकाश को दूल्हे की तरह सजा देते हैं, और जब हम रंगोलियां बनाते हैं घूमर नृत्य करते हैं तो धरती को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। तब कहना चाहता हूं साहब कि राजस्थान क्या होता है, कि जो प्यासे को तर कर दे उसको पानी कहते हैं। जो प्यासे को तर कर दे उसको पानी कहते हैं। देश प्रेम और शक्ति जगा दे उसे जवानी कहते हैं। और हरी भरी फसलें लहरा दे, हरी भरी फसलें लहरा दे आग उगलती धरती पर, ऐसे वीर सपूतों को ही राजस्थानी कहते हैं। वाह 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 वाह। हरी भरी फसलें लहरा दे आग उगलती धरती पर, ऐसे वीर सपूतों को ही राजस्थानी कहते हैं। कि क्या चेतक थे, क्या राणा थे, क्या उनकी अमर कहानी थी। हल्दी घाटी के खेतों में इतिहास रचो बलिदानी जी। दुश्मन की तोपों को जिसने भाले से चित कर डाला था। क्या चेतक थे, क्या राणा थे, क्या उनका पावन भाला था। क्या चेतक थे, क्या राणा थे, क्या उनका पावन भला था। राणा और चेतक संग चले जो शंकर नंदी संग चले। राणा और चेतक संग चले जो शंकर नंदी संग चले। डम डम डमरू की आवाज है जो प्रलयंकर खुद जंग लड़े। आजादी की पी करके भंग बम भोड़ा मस्त मलंग लड़े। वो एक लिंग आ धरती पर हल्दी घाटी की जंग लड़े। वो एक लिंग आ धरती पर हल्दी घाटी की जंग लड़े। अरे पाकिस्तान क्या मुकाबला करेगा अपना। पाकिस्तान का पूरा साल का बजट नहीं है भाई साहब जितना, तो अपने यहाँ के डोकरे बिड़िया सूत जाते हैं। क्या मुकाबला करेगा पाकिस्तान। मैं तो पाकिस्तान को एक सलाह देना चाहता हूं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो हमने 10-10 कुंटल के बम पटके थे उनका लोया लक्कड़ तो बचा ही होगा। उसको बेच के वो अपना GDP जरूर सुधार सकता है। एक बार एक चोरा था भाई साहब,
उसका एक हाथ कट गया दुर्घटना में, तो परेशान हो गया, वो पानी की टंकी पे चढ़ गया मरने के लिए। वो ऊपर से कूदने वाला था कि उसको एक दूसरा आदमी नीचे दिख गया जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो नाच रहा है। उसने सोचा यार अपने एक हाथ नहीं है, परेशान हो गए जिंदगी से, और इसके दोनों हाथ नहीं है, ये नाच रहा है। उसने मरने का प्लान कैंसिल किया, वो नीचे उतरा। उसने नीचे उतर से उसके पूछा कि भाई यार मेरा एक हाथ नहीं है, परेशान हो गया, मरने चला था, और तेरे दोनों हाथ नहीं है, तू नाच रहा है। तो उसने जवाब दिया, जब भाई दोनों हाथ ना हो और खुजली चल जाए तो नाचना ही पड़ता है। एक बार एक नेनवा का छोरा छोरी देखने चल गया। नेनवा में एक छोरा छोरी देखने आ गया, तो छोरी भी भाई साहब नेनवा की थी। छोरे ने छोरी से पूछा कि क्या आपको गाना गाना आता है, तो छोरी ने पलट के छोरे से पूछ लिया कि क्या आपको तपला बजाना आता है, तो छोरे ने पूछा कि मुझे तपला बजाना कैसे आएगा, तो छोरी ने कहा कि जब मैं तपला बजाऊंगी, जब मैं गाना गाऊंगी तो तपला क्या तेरा बाप बजाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वाह वाह वाह, ये रहे भाई नवीन बैरागी, नाम भी बड़ा अद्भुत है इनका, नवीन। इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो, नवीन। और इन्होंने नए तरीके से अपनी प्रस्तुति दी। ये कवि सम्मेलन में ड्रिबलिंग कहलाती है, गद्य सुनाते सुनाते पद्य सुनाना, पद्य सुनाते सुनाते गद्य सुनाना। ये जो प्रयोग किया है इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से पहले कवि ने ओपनिंग करी, बहुत अच्छा बालक है। बालक हो तो ऐसा हो भले 5 मिनट लेट हो।